आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप सभी के बीच मैं बहुत दिनों के बाद, चूँकि आप लोग जानते ही हैं कि पारिवारिक थोड़ा सा मेरे पिताजी का असमय और आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण, देहांत हो जाने के कारण और एक लंबी बीमारी के वजह से मैं बहुत परेशान था और बहुत दिनों तक अस्पताल में भी रहा। और लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया, बचा नहीं पाया। और आप सभी को मैं जानकारी भी देना ज़रूरी समझ रहा था, क्योंकि बहुत दिन हो गया था और आप सभी को सही चीज़ और सही जो जानकारी है जो मुझे आज मिली है उसको मैं बता दूं कि आप का काम और जितने भी 17 विभाग के मामले हैं उसमें से कुछ विभागों का मामला जो है जिनको जल्दी निपटारा करना है, उन सारे विभागों के मामले को पूरी तरह क्लियर करके और रखा गया है और सिर्फ एक आदेश का इंतज़ार है जो आप लोग जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मिलेगा। और जैसे ही वह आदेश मिलेगा वह सारी चीज़ें आप सभी के सामने होगी और स्पष्ट हो जाएगी और आप सभी को देखने को मिलेगा। लेकिन ये मुख्यमंत्री स्तर की, माननीय मुख्यमंत्री स्तर की चीज़ है और समय और दिन तारीख किसी के बस की बात नहीं है बताना, क्योंकि पहले भी हम लोग बताते थे और जो जानकारी दी जाती थी जहाँ से भी, तो वह सारी जानकारी में वह समय सटीक नहीं हो पाता था और वह जानकारी जो है जो समय के बारे में बताया जाता था वह फेलियर हो जा रहा था, इसलिए कि वह मामला माननीय मुख्यमंत्री लेवल का है और उनके तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है। जिस दिन जिस समय हो मिलेगा उसी समय आपका मामला ओपन हो जाएगा। और जहाँ तक रही बात 15 अगस्त या किसी तारीख की, तो मैं एक अंतिम तारीख जो 30 सितंबर है, 30 सितंबर के बाद आचार संहिता लगने की संभावना है और अगर मामला क्लियर होना होगा और जो बताया गया है आज, तो वह 30 सितंबर के पहले पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा। 15 अगस्त की बात को भी मैं नहीं काट रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री उस दिन घोषणा कर सकते हैं या इस तरह का कि 15 अगस्त को इस तरह की बहुत सारी घोषणाएं होती है, तो उसमें हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह की घोषणा हो। लेकिन 30 सितंबर के बाद आचार संहिता और चुनाव आयोग के तरफ से चुनाव कराने की का जो समय है वह हो सकता है कि उसकी घोषणा हो जाए, तो उसके पहले आपका काम हर हाल में कराना होगा। और ये बातें आज बताई गई कि 30 सितंबर के पहले वाली बात आज बताई गई और 15 अगस्त की बात वाली जो बात है, तो वह जो भी सरकार हो, वह किसी राज्य की सरकार हो या किसी या केंद्र की सरकार हो, उस दिन इस तरह की घोषणाएं होती है और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा या देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। और ये चूँकि नियम है, कुछ ना कुछ जो घोषणाएं हैं वह सरकार के द्वारा की जाती है, तो हो सकता है कि उस दिन भी ये मामला और इस तरह की घोषणाएं हो, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। बाकी आप लोग देखिए, हम लोग के साथ भी परिवार है और एक बात आप जान लीजिए कि इस मैटर पर और इस बात पर कोई भी इतना झूठ नहीं बोलेगा। और मैंने कई बार बताया है कि जिस चीज़ को हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा है वह कभी झूठा नहीं हो सकता। वो इसमें विलम्ब लग रहा है वो अलग की बात है, लेकिन काम होना बिल्कुल निश्चित है, इसमें कहीं से दो राय नहीं। और अब मैं अधिक इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें और क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है,
और सारी चीज़ें अब माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर है, केवल ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार है। आज जिस दिन मिल जाए, ये जितने भी लोग अभी एक्टिव हैं और जो लोग जिनका लिंकअप है सचिवालय से या सामान्य प्रशासन विभाग तक या उसके ऊपर तक, ये वे सारे उन सारे लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम है कि सारी अब जो भी अंतिम पड़ाव है और अंतिम जो विकल्प है और जो होना है वह सारा चीज़ माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर है और केवल ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है। जिस दिन मिलेगा उस दिन आपका मामला और उसके साथ साथ अन्य विभागों के जो मामले हैं वह सारे मामले क्लियर हो जाएंगे और जो उसका विभागीय वेबसाइट है उस पर आपको दिखने लगेगा। और इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसीलिए कि नौकरी होनी पक्की है और इसमें कोई भी संदेह नहीं। हम और अगर इस तरह का संदेह रहता, अगर इस तरह कोई भी डाउट रहता तो हम लोग कह देते कि आप लोग कोई रोज़गार कीजिए या किसी तरह का बिजनेस कीजिए या कहीं किसी कोई ना कोई काम कीजिए, लेकिन आप लोग अभी जहाँ भी हैं वहाँ आप लोग रहें और जो लोग किसी काम में है वह उस काम में लगे रहें। जिस दिन नोटिफिकेशन होगा तो उसमें समय दिया जाएगा, तो समय दिया जाएगा तो उस बीच में आप जहाँ भी होंगे आप आसानी से पहुँच जाएंगे। इसीलिए हड़बड़ाने या छटपटा के कहीं आप कमा रहे हैं या किसी तरह का रोज़गार कर रहे हैं तो वापस आने की अभी ज़रूरत नहीं, इसलिए कि नोटिफिकेशन के आने पर उसमें जो समय सीमा निर्धारित की जाती है उस बीच में आप कहीं भी रहेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। तो आप सभी से यह आग्रह है कि आप जहां हैं वहां रहें, और चूंकि आज का जो समय है और हम लोग जान रहे हैं और हमारे ऊपर भी है कि अगर नौकरी नहीं होगी तो बच्चों की परवरिश और शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, लेकिन हम लोगों ने जिस चीज़ को देखा है वह कभी झूठा नहीं हो सकता। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। आप सभी एकजुट रहें, एक साथ रहें और काम होना बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद।